आज मैं आप लोगों को एक ऐसा मेथड बताने वाली हूँ जिससे कि बहुत सारी महिलाओं ने कंसीव किया है। मेरे खुद के घर में जिन्होंने बहुत सालों से कंसीव नहीं कर पा रही थी और उनको डॉक्टर्स के राय के बाद ये करवाना पड़ा जिससे कि उन्होंने इमीडिएटली 1 से 2 महीने में ही कंसीव कर लिया। बहुत ही पावरफुल तरीका है। ये किन किन महिलाओं को करना चाहिए, चलिए इस वीडियो में जानेंगे। और ये काफ़ी ज़्यादा असरदार तरीका होता है। बहुत सारी महिलाओं ने कंसीव किया है इसको करने के बाद। कई महिलाओं को आपने देखा होगा कि पीरियड्स आजकल इरेगुलर हो रहे हैं। इरेगुलर हो रहे हैं इसके कारण कई बार यूट्रस में सब कुछ रह जाता है या कुछ बच जाता है। यूट्रस में कुछ पीरियड्स के अंश रह जाते हैं, म्यूकस रह जाते हैं, क्लॉट्स रह जाते हैं, जो कि कहीं ना कहीं कंसीव नहीं कर पाना वो एक बड़ा कारण बन जाता है। वो आपको पता नहीं चलता है। कई बार आप रिपोर्ट्स आपके सब कुछ सही हैं, सारे रिपोर्ट्स सही हैं, आपके हस्बैंड के आपके सारे रिपोर्ट्स सही हैं, लेकिन फिर भी प्रेगनेंसी ना कंसीव कर पाने के पीछे क्या कारण होता है? तो यही कारण होता है कि पीरियड्स इरेगुलर है। और कई बार ठीक है, जिनके रेगुलर्स भी हैं तो कई बार क्या होता है कि यूट्रस में कुछ बच जाता है जिसके कारण कंसीव करने में, इम्प्लांटेशन में खासकर दिक्कतें होने लगती हैं। या फिर उन महिलाओं को भी जिन्होंने पहले दवाइयाँ खाई हैं, जिनके पहले मिसकैरेज हो चुके हैं, या फिर जिनका जो भी मिस्ड अबॉर्शन कह लें, या फिर यूट्रस में अपने आप जो है बच्चा ख़त्म हो चुका था और उनको सही से पीरियड खुलकर नहीं आया, इस वजह से भी यूट्रस में कुछ ना कुछ बच जाता है, तो क्या करवाती हैं? बहुत सारे डॉक्टर्स ने ये सुझाव दिया, खासकर जिनके मिसकैरेज हो चुके हैं, जिनकी प्रेगनेंसी अपने आप घर में ख़त्म हो चुकी है, जिन्होंने पिल्स लिया है, उन महिलाओं को जिनके पीरियड्स इरेगुलर हैं, उन महिलाओं को वो ये राय देते हैं कि आप DNC करवाएं। अब DNC क्या होता है? तो ये होती है गर्भाशय की सफाई, बच्चेदानी की सफाई। तो ये बच्चेदानी की सफाई की जाती है, गर्भाशय में जो भी बचा हुआ है वो साफ करके निकाला जाता है जिससे कि इम्प्लांटेशन होने में हेल्प मिल सके। बहुत सारी महिलाओं को DNC के बाद कंसीव किया है उन्होंने। ये तभी आप करवा सकती हैं जब आपके डॉक्टर्स राय देते हैं, या फिर आप अपने डॉक्टर को एडवाइस कर सकती हैं कि क्या ये करवाना मेरे लिए सही होगा, क्या ये मेरे लिए फ़ायदेमंद होगा। कई बार क्या होता है कि आपके रिपोर्ट सब कुछ नॉर्मल होते हैं और ये करवाने के बाद बहुत सारी महिलाओं ने कंसीव किया है। DNC एक प्रोसेस होता है जो कि आप देखती होंगी कि एक छोटा सा, अगर बोले तो ये ऑपरेशन इसे हम नहीं कह सकते हैं, ठीक है, ये कोई ऑपरेशन नहीं होता है, ये एक सफाई होता है जो कि गर्भाशय को एक इंस्ट्रूमेंट के द्वारा सफाई किया जाता है। ये आपको कोई भी दर्द नहीं देगा क्योंकि हल्का सा आप एनेस्थीसिया दिया जाता है जिसमें कि आप पूरी तरीके से बेहोश नहीं होती हैं, तो उस वक्त एनेस्थीसिया देके आपको वहाँ की सफाई की जाती है। कुछ ही पल में आपको होश भी आ जाता है। DNC करवाने से पहले डॉक्टर्स आपके खून की जांच करते हैं, हेमोग्लोबिन की मात्रा देखते हैं कि, और फिर आपके पास्ट के भी रिपोर्ट्स देखते हैं कि अगर एनेस्थीसिया दिया जाए तो आपके लिए कोई हानि तो नहीं होगा, तो ये सारा कुछ पहले देख लेते हैं, तभी उन महिलाओं को DNC की राय दी जाती है। इसमें आप बोलोगे कि बहुत पेनफुल होता है, तो नहीं, करने के समय जब डॉक्टर आपको दे देते हैं एनेस्थीसिया आपको कुछ भी पता नहीं चलेगा, उसके बाद भी कुछ भी पता नहीं चलेगा, पीरियड्स रेगुलर हो जाते हैं, पीरियड्स सही आते हैं, कोई भी ज़्यादा फ्लो नहीं होता है। अगर DNC करवाने के बाद बहुत सारी महिलाएं बोल रही हैं कि उनको उनके साथ ये हुआ है वो हुआ है, तो या तो DNC सही से नहीं की गई है, और दूसरा ये हो सकता है कि उनको ये साइड इफ़ेक्ट दिख रहा है, तो उनको डॉक्टर्स के पास जाना चाहिए। वैसे मैं अगर अपनी राय बताऊं तो जिनको भी मैंने देखा है तो DNC के बाद कोई प्रॉब्लम नहीं हुई है और ना ही करवाने में कोई प्रॉब्लम होती है। हाँ, इसके बाद कंसीव करने के रास्ते खुल गए हैं। अगर मैं बात करूं तो मेरे घर में जिन्होंने भी ये करवाया उन्होंने कंसीव किया है, डॉक्टर्स के सलाह के बाद ही होता है। तो आप एक बार अपने डॉक्टर से पूछ सकती हैं कि आपके केस में DNC हो सकता है या नहीं। तो जाते जाते इस वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और कमेंट करते जाएं। धन्यवाद।